हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये चर्चा में बहुत ही ज़्यादा रहता है क्योंकि भारत इसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। तो जैसा कि इसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। इसमें 48 सदस्य हैं। इसका जो गठन है या स्थापना है वो 1974 में की गई थी। किस लिए? तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण अपना किया था, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने 1974 में किया था, तो भारत के विरुद्ध यानी भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इसका गठन किया गया था। और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। यानी जो यूरेनियम है, जो परमाणु है, उसका प्रयोग बिजली वगैरह बनाने के लिए किया जाए, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाए। परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है, भारत इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन द्वारा इसमें बाधा पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण भारत जो है इसका सदस्य नहीं बन पा रहा है। और देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण वो हैं, निकाय हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उसमें भारत जो है NSG को छोड़कर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को छोड़कर सबका सदस्य है। जैसे भारत MTCR का सदस्य बन गया था 2016 में, भारत जो है वासिनार अरेंजमेंट का सदस्य बन गया 2017 में, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बनाया गया 2018 में, लेकिन भारत जो है अभी तक NSG का सदस्य नहीं बन पाया है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं बन पाया है, क्योंकि चीन द्वारा इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है या इंटरेस्टिंग ये है कि जो चीन है वो इन तीनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि चीन ना तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है, ना MTCR का सदस्य है, ना ही वासिनार अरेंजमेंट का सदस्य है। चीन केवल NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य है, जबकि भारत इन तीनों का सदस्य है लेकिन NSG का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत इसमें से किसका सदस्य है या नहीं है। तो ये जो चार मिसाइलों के या परमाणु हथियारों के नियंत्रण से संबंधित चार मुख्य जो वो हैं संगठन है, उसमें से भारत इन तीनों का सदस्य है, बस NSG का सदस्य नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, क्योंकि इसकी स्थापना ही भारत के विरुद्ध की गई थी, भारत के विरोध में की गई थी, क्योंकि भारत ने 1974 में जो है अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अत्यंत हेल्प करेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और आपका कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।